साथियों नमस्कार, मैं उपेन यादव। साथियों, रीड 2021 को लेकर एवं रीड 2016 अंग्रेजी विषय के एसएल और साइंस मैथ को लेकर और तथा रेडियोग्राफर भर्ती को लेकर ये वीडियो है। लेकिन सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा रीड 2021 को लेकर। साथियों, जब जब प्रदेश के बेरोजगारों पर संकट का एक तरह से बादल छाए, उस समय जो आपके देशी थे सब गायब हो जाते हैं। लेकिन हर बार संकट में आपका ये साथी यानी कि उपेन यादव आपके साथ रहा है। जब आपको वो दिन याद होंगे कि केंद्र सरकार की जो नई शिक्षा नीति में ये था कि इंटरव्यू लागू होंगे, कई चीजें डेमो क्लासेस, सबसे पहले विरोध हमने किया था। और जो अब वैधता बढ़ाने का जो मामला सामने आया प्रमाण पत्र वाला, उसमें 16 लाख बेरोजगार घबराए हुए हैं। साथियों, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि कॉपी पेस्ट डेंगू से बचकर रहें ये लोग। जैसे अब मेरा वीडियो देखने के बाद फिर कुछ ना कुछ कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी थोड़े दिन पहले जो मेरी मीटिंग हुई सीएमओ में, उसके बाद मैं 8 बजे लाइव आया और 8 बजे लाइव आके मैंने कहा कि एसएलपी भी वापस होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय 3 अप्रैल को सहमति जताई थी और आज माननीय कुलदीप राठौर जी और एजुकेशन प्रमुख शासन सचिव से भी उनकी बात हो गई है, जल्द इस पर फैसला होगा। और कई मामलों के लेकर मैंने उस लाइव में चर्चा किया था और ये भी कहा था जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी मीटिंग मिलेंगे। और उन लोगों ने, क्योंकि मैं हमेशा रीट की बात बाद में करता था लाइव में, लेकिन उस दिन मैंने पहले रीट के बारे में चर्चा की परीक्षा तिथि को लेकर। साथ ही उन्होंने तुरंत 8/26, 8/28 में दोनों दो तीन नेताओं ने तुरंत ट्वीट कर दिया एसएलपी के संबंध में और बोले कि सीएमओ में मीटिंग होगी, क्योंकि उनका काम कॉपी पेस्ट का। यहाँ धरातल पे लगातार काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रमुख सचिव कुलदीप राठौर जी, से सारे मामले देखते हैं, आरती मैडम और ललित कुमार जी, उन तक मैंने आप लोगों की बात पूछा। या माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद जिन्होंने मुझे समय दिया इस चीज़ की, बेरोजगारों की वह पीड़ा रखने के लिए। और आज मुख्य सचिव साहब मीटिंग ले रहे हैं और जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी मीटिंग लेंगे और कई मांगों पर देखना सहमति देते कि रीट 2021 की परीक्षा तिथि की घोषणा होगी, रीट 2016 के एसएलबी भी वापस होगी, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। साथियों, रीट 2016 अंग्रेजी विषय के लिए लोगों ने बहुत प्रयास किए। देखो, इनमें जो इनकी टीम थी, जो लगातार जो इनके लोग कोर्ट में गए, जो प्रयास कर रहे थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। लेकिन विभाग ने और राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच भी गए, एसएलबी लगा दिया और इनके हाईकोर्ट के निर्णय पर स्टे लिया गया। उसके बाद मैंने, जब मैं फतेहपुर गया तो वो बुजुर्ग व्यक्ति मुझे, जिनकी उम्र हो गई थी लगभग, वो कह रहे थे कि भैया हमें न्याय मिले। जब मैंने सुजानगढ़ या रैली निकले वहाँ मिले, वो एक दो लोग वहाँ आते थे तो उनको मैंने विश्वास दिलाया था, मैंने प्रयास किया। जब मामला पूरा ठंडा हो चुका, लोग थक चुके थे, तो उस मामले को हाथ में लिया और पूरा लग गया। अब अंतिम स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री से 3 अप्रैल को मुलाकात की। जैसे भर्ती 2018 की जो 3500 पदों पर जो सूची निकलवाई और 18 की, अब जैसे इनको लगा कि अब काम होने वाले, कॉपी पेस्ट वाले एक्टिव हो गए, भाई इतने दिन कहाँ थे जब वो छोटे छोटे बच्चों के साथ वो महिलाएं अपने फोटो डाल रही थी, मांग कर रही थी, तब तुम चुप थे क्योंकि उस समय कुछ हो नहीं रहा था। जब मैं भाग दौड़ करने लगे, अब माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की, वहां सकारात्मक आश्वासन मिला और काम होने वाले आप कॉपी पेस्ट करने आ गए। थोड़ी सी आप लोग, मैं उनसे, वो कॉपी पेस्ट करते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन लोगों से कोई फर्क नहीं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप समझदार हो, आप कल टीचर बन के बच्चों को पढ़ाओगे तो कम से कम ऐसे लोगों को जवाब दो। और आप ऐसे लोगों की बातों में भी नहीं है, ये भ्रमित करने वाले व्यक्ति कॉपी पेस्ट किए गए, उनसे बच कर रहे। और जैसे कोई काम होता है कि हमने ये करवाया वो कराया, आपको पता सबसे पहले मैंने कहा था सितंबर में एग्जाम हो सकती है, और अब दोबारा मैंने कहा 26 सितंबर 3 अक्टूबर दोनों में से किसी तारीख को एग्जाम हो सकती है। और अब और बता दूं आपको, मैं जल्दी, चाहे शिक्षा मंत्री जी चाहे मुख्यमंत्री, संभावना मुख्यमंत्री जी की है, जल्दी जो मीटिंग होगी इसमें रीट परीक्षा तिथि को लेकर घोषणा हो जाएगी। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द फॉर्म रीओपन को लेकर भी जल्द से जल्द आदेश जारी, उसके लिए हम प्रयास करें। आने वाले वीक में शायद आपको ये खुशखबरी मिल जाए। रीट 2021 की भर्ती परीक्षा को लेकर इंतजार करें 16 लाख बेरोजगार। तो रीट 2016 एसएलपी के जो उर्मिला वाले केस में, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आप लोगों ने विश्वास किया, मैं उस विश्वास के खराब करूंगा और आपको बहुत जल्द, यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग होगी तो उसमें एसएलपी वापस लेने का निर्णय भी होगा, आप लोगों को राहत मिलेगी। मुझे पूरी उम्मीद है, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था, मुख्यमंत्री जी एक बार फिर जिस प्रकार 2018 के अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की, उनको न्याय प्रदान किया था, आपको न्याय प्रदान करेंगे। अब 2021 की मैं जो बात कर रहा हूँ परीक्षा तिथि के लिए, कह रहा हूँ जल्दी मीटिंग होगी तो उसमें घोषणा हो जाएगी
और मैंने संभावित तारीख आप लोगों को बता दिया। जो लोग तैयारी नहीं करें वो तैयारी करें, लेकिन एक चीज को लेकर लोग परेशान है कि प्रमाण पत्र बढ़ाए जाएंगे तो लोग पहले वाले आ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। तो मैं 16 लाख प्रदेश के युवा बेरोजगार को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं चुप नहीं था, मैं थोड़ा सा बस ये देख रहा था जो लोग आपके हितेशी बनते थे वो कहाँ गए। जब जब संकट आया तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा था कि क्या वो लोग आपके साथ आते गए, गायब हो गए। वो लोग तो दोगली नीति अपनाते, वो लोग ही आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं साथियों, मेरा प्रदेश के बेरोजगार को कोई नुकसान नहीं हो। उसमें 2018 के वो व्यक्ति भी है जिनके 120 नंबर हैं, लेकिन वेटेज की वजह से वो पिछली बार कुछ नंबरों से पॉइंटों से रह गए थे, लेकिन वो वेटेज भी कम करवाने वाला आपका भाई था। इस 2021 में 90-10 कराने वाला है। हमारा संघर्ष था, मुझे याद है 7 जून 2020 को जेल जाना, सब कुछ याद है, 18 को जो मैं जेल गया था पिछली सरकार में, और करवाया और 90-10 भी हो रहा है। अब वो कह रहे कि वैधता बढ़नी चाहिए क्योंकि जुलाई में उनकी वैधता खत्म हो रही। तो साथियों, उन लोगों ने कोर्ट में केस भी लगा रखा है, शायद उनको कोर्ट से राहत भी मिल जाए। इसके अलावा मैं पहले कोशिश कर रहा हूं कि इन, क्योंकि ये ज्यादा इनकी संख्या नहीं, 500 करीब ये लोग होंगे, लेकिन वैधता सबकी बढ़ जाती है, आजीवन बढ़ जाती है। तो जो लोग कई सालों से और जगह कई लगे, हालांकि वो मेरे से नाराज हो गए, लेकिन वो बेरोजगार थे तो मैंने उनका साथ दिया, आज वो नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अब मेरा फर्ज यही है कि सच का साथ दूं, आज मैं बेरोजगार को फिर साथ दूं, कम से कम उनको मौका मिले। वैधता बढ़ती है तो कहीं ना कहीं नए बेरोजगारों को मौका नहीं मिलेगा, पुनः उनका ही नंबर आएगा जो पहले लग चुके हैं। ऐसे में 16 लाख बेरोजगार परेशान और दुखी हैं, तो उन लोगों को बचाने के लिए, उनका साथ देने के लिए आपका भाई उपेन्द्र यादव सदैव आपके साथ रहेगा। आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा, इसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, और अभी तक मैं चुप नहीं था, उसमें लगा हुआ भी था। कोशिश ये रहेगी कि एक प्रमाण पत्र से एक की नौकरी मिले, ऐसे में 18 वालों को मौका मिल जाए। कोशिश रहेगी सेम पोस्ट पे सेम पोस्ट वाला नहीं आए, ये मैं पहले कोशिश करूंगा, जिससे 18 वाले जो कुछ 1500 लोग इनके साथ पिछली वेटेज की वजह से बुरा हो गया, इनके साथ गलत नहीं हो। और यदि मैं प्राथमिकता पूरी दूंगा, इनको न्याय मिले। और यदि यह ऐसा नहीं हो पाता है, मान लीजिए कि कह रहे कि अनिवार्य है हम वैधता ही बढ़ाएंगे, तो मैं वैधता बढ़ाने का 100% विरोध इसलिए करूंगा कि 1500 के चक्कर में 16 लाख लोगों का नुकसान ना हो। क्यों विरोध करूंगा? क्योंकि वैधता बढ़ेगी तो कहने की सरकार ये नहीं कहती कि हम तो 2 एग्जाम करवाएंगे, क्योंकि जो 24 दिसंबर 2020 को जिस भर्ती की घोषणा हुई थी, आज लगभग 2 साल होने वाले हैं, यदि 2 एग्जाम होगी तो सोचिए कि 4 साल तक, 3-4 साल तक ये भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी, 2-3-4 साल भूल जाना। ऐसे में जो 2018 वाले हैं ना, उनके साथ भी बुरा होगा, वो सोच रहे कि 2 एग्जाम से उनका भला हो जाएगा। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि एक प्रमाण पत्र वाले मामले लागू किए जाए, जिससे आप, क्योंकि जो लग चुके हैं वो तो लाभ ले चुके हैं, आपने लाभ नहीं लिया तो 1500 को फायदा मिले, आप लोगों के साथ न्याय मिले, मैं आपके लिए भी कोशिश करूंगा। इसके अलावा ये नहीं होता, जो एक सेम पोस्ट पे सेम पोस्ट वाला नहीं आए, वो भी मैं कोशिश करूंगा। और यदि ये कोशिश से नाकाम होती है तो शायद आपको कोर्ट से न्याय मिल जाए, राहत मिल जाए आप लोगों को। इसलिए 18 वाले घबराए नहीं, आपके साथ अच्छा होगा। लेकिन जो 16 लाख लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम सोच रहे हैं, परेशान है कि हमारे साथ गलत होगा, तो उनको विश्वास दिला दूं मैं आपके साथ हूं। आजीवन वैधता बढ़ाने के मैं सख्त खिलाफ हूं, इसलिए खिलाफ हूं कि नए बेरोजगार कहां जाएंगे। इसलिए मैं मेरी बात भी रखूंगा, आपको न्याय भी मिलेगा, मैं पूरा प्रयास करता हूं, और आपके साथ गलत नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि 2 एग्जाम भी नहीं हो अभी फिलहाल। पहले मैं 2 एग्जाम के पक्ष में था, लेकिन अब 2 एग्जाम होंगी, 2 साल तो पहले बीच की, 2-3 साल और लग जाएगी, फिर बेरोजगार को जॉब कम मिलेगी। वेटेज की बीमारी खत्म करवाई दी। इसलिए साथियों, कोशिश ये है कि जल्द से जल्द परीक्षा तिथि की जारी हो, जल्द से जल्द फॉर्म रीओपन हो, और 18 वालों को न्याय मिले, और वैधता भी नहीं बढ़े, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए किसी भी अभ्यर्थी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका भाई आपके साथ रहेगा। और इन लोगों से जरूर बच के रहें जो कभी बीएड बीएसटीसी के नाम पे लड़वाते हैं, कभी गंदी राजनीति करते हैं, इन लोगों से बच के रहें। मेरे लिए बीएड और बीएसटीसी दोनों सम्मान है, इस मामले से मैं पहले हट चुका था, जो न्यायालय निर्णय देगा वो सबको मानना होगा।
इसलिए अब जो 16 लाख लोग संकट में आए, जो दुखी हैं इस चीज को लेकर कि दो एग्जाम होगी तो भर्ती समय पे पूरी नहीं होगी, कितने साल लग जाएंगे और वैधता बढ़ी तो हमारा भविष्य खराब हो जाए, तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही एग्जाम होगी और वैधता की जो समस्या आ रही है उसका भी निस्तारण मैं करवाऊंगा, उसका भी मैं ऐसा रास्ता निकालूंगा जिससे आप लोगों को नुकसान नहीं हो, आपके सपने साकार हो और आप लोग चिंता कर रहे हो उस चिंता से आपको राहत मिले। जल्दी इस जो तमाम जो बातें हैं, चाहे परीक्षा तिथि हो, चाहे परीक्षा रिओपन फॉर्म हो, चाहे वैधता वाला मामला हो, उन सबको लेकर आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी। इसलिए आप लोग चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत।